हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक इजी एंड डिलीशियस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बिल्कुल बाजार जैसी बढ़िया टेस्टी स्पाइसी पाव भाजी। जी हाँ, पाव भाजी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और घर पर आसान तरीके से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया और उसके अंदर एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद हम एक टेबलस्पून ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे और ज़ीरे को अच्छे से रोस्ट होने देंगे। जब ज़ीरा हमारा रोस्ट हो जाएगा, 2 से 3 मिनट इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला सबसे पहले मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले की जो फ्रेशनेस है वो हमारे पाव भाजी के अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें रफली चॉप कर लिया था। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप कैरेट। कैरेट को भी मैंने मीडियम साइज में कट कर लिया है। उसके बाद ऐड करेंगे गोभी, 1 कप गोभी। अगर आप चाहें तो कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू कट करके रखे हैं, इन्हें भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। 1 कप मटर डालेंगे। ये जो है मटर जो है फ्रेश मटर है, फ्रोज़न मटर नहीं है। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ करते हैं तो उसे अभी मत डालिएगा क्योंकि फिर वो ज़्यादा मैशी सी हो जाएगी। और उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर 4 स्लाइसेस बीटरूट के। बीटरूट डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो पाव भाजी का कलर है ना वो बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। और 2 हरी मिर्च बीच में से कट कर कर डाल दीजिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट और इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ पर ज़्यादा मत डालिएगा। अगर इसके अंदर मैंने 1 ग्लास और थोड़ा सा आधा यानी कि 1.5 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर का लिड लगा देंगे और इसके अंदर हम 2 सीटी हाई फ्लेम पर और 1 सीटी लो फ्लेम पर लगाएंगे। हमें वेजेस को जो है ना ओवर कुक करना है, मतलब गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा गलाना है। सबसे मेन बात पाव भाजी की यही है कि वेजिस को अच्छे से अगर आप गला लेंगे तो आपके लिए पाव भाजी बनाने में, उसको मैश करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से आपकी पाव भाजी क्या हो जाएगी, मैश हो जाएगी। तो अब हमारी ये जो है सब्जियां पक चुकी हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ जिससे हमारा बटर जो है ना ऑयल के साथ जलता नहीं है और अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और 3-4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर बटर ऐड किया है। बटर को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। जब हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा तो 1 बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पर फाइन चॉप, बिल्कुल फाइन, जितना आप महीन काट सकते हैं उतनी महीन प्याज काट कर मैंने ऐड कर दी है। और 1 कटोरी यहाँ पर कैप्सिकम ऐड किया है। अगर आप चाहें तो किसी चॉपर की मदद से बहुत ज़्यादा बारीक इसे काट सकते हैं। मेन फ्लेवर जो पाव भाजी की भाजी में आता है वो कैप्सिकम और अनियन का है। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना, बस रोस्ट करना है। अब 1 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाला है। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं रेड कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल साइड्स में निकलने लगा है, पाव भाजी अच्छे से भून रही है। इसे ऐसे ही आपने भूनना है बहुत बढ़िया करके, क्योंकि इसमें जो ग्रेवी अगर हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी तो हमारी पाव भाजी भी बहुत बढ़िया बन जाएगी। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होती है। अगर नहीं है आपके पास तो आप शेजवान चटनी या होममेड चटनी जो हम बनाते हैं लहसुन की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी ली है जिसे हथेली के बीच में रख के अच्छे से मसल लेंगे और डाल देंगे। ये देखिए बढ़िया बढ़िया सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। पाव भाजी का मसाला लगभग तैयार हो चुका है। अब हम अपनी वेजीज को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें इसको हाई फ्लेम पर इसमें 2-3 उबाल लगाने हैं। अभी हमें इसे मैश नहीं करना है। अगर जब आप इसमें 2-3 उबाल लगा देंगे तो ये अपने आप ही बहुत ईजीली मैश होने लगेगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये देखिए, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ग्लास पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक नहीं होनी चाहिए और ना ज़्यादा ही बिल्कुल पतली के इतनी होनी चाहिए कि अगर आप पाव इसके अंदर डिप करें तो हमारा पाव जो है ड्राई नहीं रहे, बल्कि पाव जो है उसको भाजी को सोक करे। ये देखिए इतनी हमारी सब्जियाँ कुक हो चुकी हैं कि मैं अगर चमचे से भी इसे ऐसे कर रही हूँ तो सारी अच्छे से मैश हो रही हैं। ये देखिए सब्जियों को अगर आपने शुरू में ही ओवर कुक कर लेंगे तो पाव भाजी में बहुत आसानी आपके लिए हो जाएगी बनाने में। अच्छे से ऐसे ही पहले चमचे की मदद से इसे मिक्स करेंगे। अब हम मैं यहाँ पर एक मैशर ले रही हूँ, आपके पास जो भी हो आलू वाला या दूसरा कोई भी मैशर हो, आप उससे क्या कर सकते हैं भाजी को अच्छे से मैश करें। मुझे भाजी को मैश करने में पूरे 4 से 5 मिनट लगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने मैश किया है धीरे धीरे। ये देखिए इतने अच्छे से मैश किया है, ये थिक तो है लेकिन हम सब्जियों को पता नहीं लगा पा रहे कि आलू इसमें कहाँ है, गोभी इसमें कहाँ है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, ये देखिए सब्जियां इसके अंदर हैं लेकिन ऐसी नहीं दिख रही आपको ऊपर ऊपर। यही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए पाव भाजी के लिए। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर से क्या होगा, हमारा जो कलर होगा ना वो रेडिशपन पर आ जाएगा इसमें, जैसा कि बाजार की पाव भाजी होती है ना, तीखी तीखी सी लगती है देखने में, लाल लाल बिल्कुल, वैसे ही हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हो जाएगी। लास्ट में हरा धनिया ऐड करेंगे और आधा नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। वाह, बिल्कुल पाव भाजी की सब्जी जो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, घर पर भी आप कितनी आसानी से इसे बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, रेसिपी को फॉलो करना है और आप बना सकते हैं। अब सब्जी को साइड में रखेंगे। ये हाँ, मैंने आयरन प्लेट ली है, लोहे वाला तवा है ये। इस पर मैंने 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है, बटर मेल्ट हो चुका है तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। और पाव के अंदर फ्लेवर देने के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मसाला पाव भाजी का, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी पाव भाजी ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में पाव भाजी खाते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। और यहाँ दोनों पाव इसके ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा प्रेस करते हुए इन्हें सेकेंगे, थोड़ा सा पलटेंगे। ये देखिए बढ़िया एकदम हमारे पाव भी सिक चुके हैं अच्छे से। इसी तरीके से आप और पाव भी सेक कर तैयार कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, पाव के अंदर भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अब मैंने अपनी पाव भाजी प्लेट के अंदर सर्व कर दी है और बहुत ही बढ़िया हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए फ्रेंड, इसका कलर कितना अच्छा है, पाव भी देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।